तो हेलो गाइस, वेलकम हो गया आपका ब्रांड न्यू किचन व्लॉग के अंदर। तो गाइस आज मम्मी बना रही है हेल्दी और टेस्टी पोहा, जो कि गर्मियों के टाइम में ठंडा अच्छा भी लगता है और बहुत हेल्दी भी है। तो चलो मम्मी के पास चलते हैं, कैसे बनता है चलो। तो आज हम बना रहे हैं गीला पोहा। ये बहुत हेल्दी होता है, न्यूट्रिशियस होता है और जो लोग वेट लॉस कर रहे होते हैं उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल है। और जो बच्चे कुकिंग नहीं कर सकते, हॉस्टल वगैरह में रहते हैं या उन्हें कुकिंग करना नहीं आता, तो इट्स वेरी इजी फॉर देम। सबसे पहले हम एक बाउल कर्ड ले लेंगे, फिर इसमें हम अकॉर्डिंग टू टेस्ट हम साल्ट ऐड कर देंगे एंड 1 स्पून हम शुगर ऐड कर देंगे, फ्रेश कुटी हुई काली मिर्च और कुछ हम इसमें लीव्स ऐड करेंगे। ये मिंट लीव्स हैं फ्रेश और करी लीव्स हैं। अब हम इसको फेंट लेंगे। अब हम इसमें 1 बाउल पोहा ऐड कर देंगे। हाफ बाउल पोहा और डाल देंगे हम इसमें, थोड़ा कम लग रहा था ये। टोटल हमने 1.5 बाउल पोहा ले लिया है, 1 कप बाउल। आप ये कप और बाउल किसी चीज से भी आप मेजर कर सकते हैं। अब हम इसको 2 मिनट की रेस्ट पे रख देंगे। जब तक हमारा पोहा रेस्ट पे रखा है 2 मिनट के लिए, जब तक वो सॉफ्ट हो जाता है, तब तक हम अपने मखाने और मूंगफली ड्राई रोस्ट कर लेते हैं। इसमें विदाउट ऑयल इनको करना है हमें। ये मार्केट में रोस्ट हुए भी आते हैं, आप वो भी ले सकते हैं, बट आप सॉल्टी नहीं लेंगे क्योंकि वो फ्राई होते हैं। हमारे पोहे को रेस्ट पे रखे हुए 2 मिनट हो गए हैं। अब इसमें चॉप किया हुआ और टमाटो हम ऐड कर देंगे, 1 अनियन इसमें ऐड कर देंगे हम चॉप, और 1 कुकुम्बर हम इसमें चॉप ऐड कर देंगे। इससे हम मिक्स कर लेते हैं। थोड़ा सा इसे अच्छा सा फ्लेवर देने के लिए हम इसमें लेमन जूस ऐड कर देंगे, 1/2 लेमन जूस एज इनफ। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसमें अपने रोस्ट किए हुए मूंगफली और मखाने डाल देते हैं, और अब ये खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। ये बहुत हेल्दी न्यूट्रिशियस है, जो लोग वेट लॉस करना चाह रहे हैं उनके लिए भी बहुत बेनिफिशियल है। आप इसको ट्राई करके देखिए, खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है और बनने में इसमें मुश्किल से 2-3 मिनट लगते हैं। तो गाइस, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे ऐसी अच्छी रेसिपीज में, तब तक के लिए बाय बाय।